सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। झूठ कभी अजीब जायका है, स्वयं बोलो तो मीठा लगता है और कोई दूसरा बोले तो कड़वा लगता है। दूसरों के छांव में खड़े रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। एक सत्य ये भी है कि धनवानों का आधा धन तो ये जताने में चला जाता है कि वे भी धनवान हैं। आज का पंचांग 12 जनवरी 2022 दिन बुधवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, शाम 4:49 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र दोपहर 2 बजे तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:35 से 1:55 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 8:46 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। मेष राशि 12 जनवरी 2022 दिन बुधवार। यदि आप आज थोड़े से धीरज और सहनशीलता के साथ काम ले तो आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन धीरज बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। समय भी आपको रेंगता हुआ अनुभव होगा और आप जिस गति से चाहते हैं उसे काम नहीं हो पाएंगे। अगर आप जल्दी भी मचाएंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। खुद को शांत रख पाने की किसी क्रिया के साथ दिन की शुरुआत करें। वरिष्ठ लोगों के सहयोग से कोई काम पूरा करने में सफल रहेंगे। उनका साथ आपकी हिम्मत और हौसले को और बढ़ाएगा। आप अपनी किसी कमजोरी पर भी काबू पाने में सक्षम रहेंगे। घर में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है। किसी काम को जितना आप टालने की कोशिश करेंगे वह काम उतना ही जटिल बनकर आपके सामने आ सकता है, इसलिए किसी भी परिस्थिति को टालने की कोशिश ना करें। जिन बातों की वजह से आपको नाराजगी महसूस हो रही है उनकी ओर ध्यान देने की कोशिश करें ताकि बदलाव कर सकें। काम धीमी गति से आगे बढ़ने की वजह से आपके अंदर की चंचलता बढ़ सकती है। आपसे उम्र में छोटे या युवा व्यक्ति से लव प्रपोजल प्राप्त हो सकता है। सारी कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार खान पान में बदलाव लाना आवश्यक होगा। सावधानियां: आलस और मौज मस्ती में समय व्यर्थ करना नुकसान देगा। इसे मनोवांछित काम पूरे करने में भी दिक्कतें आएगी। आय बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए अभी से बजट बनाकर चलें। विरोधी पक्ष आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। अन्य गतिविधियों के साथ साथ घर परिवार के प्रति भी आपका दायित्व निभाना जरूरी है। प्रेमी या प्रेमिका के बीच भावनात्मक संबंध गहरे होंगे। आपकी सुंदरता आज हर किसी को सम्मोहित करेगी। आज आपके पास अपने पहले पार्टनर के पास जाकर उनकी खबर लेने का अच्छा मौका होगा, लेकिन ध्यान रखें कि उनके पास वापस ना लौटे। गए समय को जाने देना ही ठीक होता है। आपको कोई दोस्त आपसे अपनी लव लाइफ के बारे में मदद मांग सकता है, लेकिन उसके चक्कर में पड़कर अपनी लव लाइफ को ना भूलें। बात करते हैं करियर की। आज आपको लक्ष्य को पूरा करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन क्षेत्रों को देखें जहां पहले आपने कार्य नहीं किया है। अन्वेषण आपके लिए आज महत्वपूर्ण रहेगा। आपको कोई सार्थक मिल सकता है। अगर आप अपने नौकरी स्थानांतरण की योजना बना रहे हैं तो आज के दिन काफी शुभ हो सकता है। शीघ्र ही एक नए नौकरी या एक नए कार्यालय में भूमिका मिल सकती है। इस समय बिजनेस संबंधित नए ऑफर भी मिलेंगे। हालांकि कारोबारी गतिविधियों में मेहनत ज्यादा भी हो सकती है।
आपको बेहतरीन परिणाम भी हासिल होंगे। बात करते हैं सेहत की। आप अपने रूटीन को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अच्छी तरह से सोचे बिना इसे ना बदलें। आप भविष्य के बारे में सोचते हुए अपने वर्तमान को भुला देंगे। इससे बचें। अपने वर्तमान जीवन शैली में फिलहाल कोई बदलाव ना करें। उसका मजा लें। अगर आप अकेले रह रहे हैं तो आपकी सेहत पूरी तरह आपके हाथों में है। आज का उपाय। आज अब गाय को घास या हरी सब्जी खिलाएं शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।